मुरैना जिला अस्पताल के सीएमएचओ दवा स्टोर से 50 लाख रुपए का दवा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले का खुलासा सीएमएचओ डॉक्टर विनोद गुप्ता द्वारा किया गया है। इसके बाद स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा को सस्पेंड भी कर दिया गया। बौखलाए लोकेंद्र कुशवाहा ने सीएमएचओ को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है। सवलगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर डिजिटल एक्सरे फिल्म व दवाएं बाजार में बेचकर 50 लाख रुपए का घोटाला किया गया। इसकी जांच कमेटी में भी पुष्टि हुई है। इस पर जब एक्शन लेकर स्टोर इंचार्ज को हटाया गया तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत कोतवाली में की गई। उसके बाद ऑफिस में आया था तो स्टोर कीपर लोकेंद्र कुशवाहा मेरे पास आया और उसने कहा कि अगर मेरी नौकरी जाती है और मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं कच्छड़ हूँ, आपको गोली मार दूँगा। उसके बाद मैंने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन लगाया था कि सर ऐसे से मेरे को ये धमकी दी गई इस आदमी के द्वारा, और मैंने हर एक साल आवेदन टाइप करके जो जो अधिकारी थे मैंने उच्च अधिकारियों को ईमेल पर डाल दिया था। उसके बाद मैं थाने गया, TI को मैंने आवेदन दिया, वो संबंधित व्यक्ति भी आ गया, उसके भी आवेदन दिया, परंतु शायद मुझे ये पता लगा कि अभी उसमें एसआईबाजी नहीं हुई। अस्पताल में घोटाले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सीएमएचओ को गोली मारने की धमकी की शिकायत जब कोतवाली पुलिस पर पहुंची तो सस्पेंडेड स्टोर इंचार्ज भी अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंच गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीएमएचओ ने स्टोर कीपर के खिलाफ जान से मारने की धमकी का एक आवेदन पत्र थाना कोतवाली में दिया है और स्टोर कीपर द्वारा भी एक आवेदन पत्र सीएमएचओ के खिलाफ दिया गया है। दोनों आवेदन पत्र थाना कोतवाली में दिए गए। इस संबंध में TI को निर्देशित किया गया है कि दोनों आवेदन पत्र की जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई तत्व वगैरह बनते हैं उस आधार पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। दबंग न्यूज के लिए मुरैना से उषा सिकरबार की रिपोर्ट।